ओम खड़गम चक्र गदे सुजाप परिघाम चोलंबुशुंडिम शिरा शंखम संददधिम करैस्त्रिनयनाम सर्वांगभूषावृताम नीलास्मद्युतिमास बाद दशकाम सेवे महाकालिकाम यामास्तौ स्वपिते हरौ कमलजो हन्तुम मधुम कैटभम। ओम सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। नवरात्र का द्वितीय दिवस है, शारदीय नवरात्र का, भगवती ब्रह्मचारिणी देवी की आराधना करने का अवसर है। इस नवरात्र पर हमारे दृष्टिकोण से आपके लिए सबसे श्रेष्ठ रहेगा माँ भगवती का सुंदर मंत्र, समस्त मनोकामनाओं की सिद्धि के लिए सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। इस मंत्र का यदि नित्य प्रति आप जप करें 108 बार और इसी मंत्र से यज्ञ भी कर लें दशांश कम से कम, तो देखिएगा मनोकामना सिद्धि के युग अवश्य बनते दिखाई देंगे। ग्रह नक्षत्र आपके लिए कुछ आगे उन्नति का रास्ता बहुत सुंदर रूप से प्रशस्त करते दिखाई दे रहे हैं। 5 अक्टूबर की दिन बात कर लें, शनिवार का अवसर है और तीसरा नवरात्र रहेगा। तीसरा नवरात्र भगवती चंद्रघंटा की आराधना करने के लिए सबसे श्रेष्ठ माना जाता है, इसको सिंदूर तृतीया भी कहते हैं। ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से देखा जाए तो ग्रह विशेष तौर पर आपके लिए अनुकूल दिखाई देते हैं, लेकिन कुछ ग्रह ऐसे भी हैं जो अननेसेसरी थोड़ी वीकनेस शरीर में लाते दिखाई दे रहे हैं, अननेसेसरी की थोड़ी कमजोरी लाते दिखाई दे रहे हैं। स्वास्थ्य का ध्यान रखने की ज़रूरत है और अपने विशेष तौर पर मनोभाव जो है वो थोड़ा सा उदासीनता के साथ दिखा रहा है। थोड़ा सा बने बनाए काम में अननेसेसरी ऐसा हो सकता है कि आप थोड़े से रुष्ट हो जाएं और चीज़ों को अननेसेसरी लात मार के आ जाएं, तो ऐसा ना कीजिएगा। भगवती चंद्रघंटा का स्वरूप जो है वो विजय को देने वाला है और कहा जाता है तीसरे नवरात्र में माँ भगवती की सुंदर आराधना करते हुए माँ भगवती को जो श्रृंगार की सामग्री उपस्थित करते हैं उनके समस्त मनोकामना सिद्धि के योग बनते हैं और तीसरा नवरात्र यही दिखा रहा है आपके लिए, यही उपाय करना आपके लिए श्रेष्ठ रहेगा। 6 तारीख के दिन बात करें तो उस दिन तृतीया जो है वो थोड़ी देर वृद्धि के रूप में थोड़ी देर विद्यमान रहेगी, उसके बाद चतुर्थी का आगमन हो जाएगा, चौथा नवरात्र इसी दिन रहेगा। चतुर्थ नवरात्र के दिन विशेष तौर पर माँ भगवती कुष्मांडा की आराधना करने का सुंदर योग बनता है और ग्रह नक्षत्रों में यदि हम बात करें तो इस वक्त आपकी राशि के अनुसार से, मेष राशि वालों के अनुसार से जो ग्रह योग बन रहा है वो कहीं ना कहीं आपके लिए लाभ की सूचना लाता दिखाई दे रहा है, लेकिन थोड़ा मनोमस्तिष्क थोड़ा बंधन में रहेगा, कार्य करने में थोड़ा सा ऐसा रहेगा कि अननेसेसरी कोई ना कोई एक अंकुश मनोमस्तिष्क में परेशान करता दिखाई देगा। उस अंकुश को, उस अंधकार को दूर करने के लिए माँ भगवती कुष्मांडा की आराधना करें। जो मंत्र बताया था हमने आपको, सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते, इस मंत्र का जप करते हुए माँ भगवती के निमित्त कुष्मांड जो पेठा होता है उसकी बलि माँ भगवती के समक्ष अर्पित करने का प्रयास करें। कहा जाता है कि इस प्रकार से पूजा करने से, कुष्मांड की ही बनी हुई मिठाई भगवती को अर्पित करने से समस्त मनोरथ सिद्ध होते हैं और जीवन में यदि रास्ता ना दिखाई दे रहा हो, अंधकार हो, कहा जाता है जब संसार में अंधकार था माँ भगवती कुष्मांडा के स्वरूप उसी से व्याख्यात होता है, तो कोशिश करें इस दिन कुष्मांड की बनी पेठे से बनी हुई मिठाई माँ भगवती को अर्पित करने का प्रयास करें। यह आपके लिए बड़ा श्रेष्ठ रहेगा, ग्रह नक्षत्र में थोड़ी सी कमजोरी जो है उसको ठीक करने के लिए लाभ के योग बना देगा। 7 तारीख की दिन बात करें, सोमवार का अवसर, चतुर्थी और पंचमी तिथि का योग बन रहा है, चतुर्थी के साथ साथ पंचमी का आगमन भी हो जाएगा। 5वें नवरात्र का सुंदर अवसर है और 5वां नवरात्र भगवती स्कंद माता के लिए गया था। कहा जाता है ना, प्रथम शैलपुत्री च द्वितीयम ब्रह्मचारिणी तृतीयम चंद्रघंटेति कुष्मांडेति चतुर्थकम पंचमम स्कंदमातेति। माँ स्कंद माता जिनके हाथ में, गोदी में स्कंद जी स्वयं विराजमान है, भगवती वरदान स्वरूप वहाँ पर स्वरूप में बैठी हुई हैं, मनोकामना सिद्धि का योग बना रही हैं। तो माँ भगवती का जो सुंदर मंत्र हमने आपको दिया, सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते, इस मंत्र का यथाउचित भाव से कम 108 बार जप करें, थोड़ा दशांश उसका यज्ञ भी कर लें, तो देखिएगा मनोकामना सिद्धि के योग बन सकते हैं। ग्रह नक्षत्र आपके लिए कुछ ना कुछ पॉजिटिव रास्ता दिखाते दिखाई दे रहे हैं। देखिए शनि इंद्रों वक्री चल रहे हैं और शनि का वक्रत्व जो है वो कहीं ना कहीं कई मामलों में थोड़ी सी नेगेटिविटी उत्पन्न करता है, तो उसको ठीक करने के लिए सबसे अच्छा ये है कि आप विशेष तौर पर शनि के मंत्र का भी जप कर लें, हनुमान चालीसा का पाठ कर लें, वो संपूर्ण रूप से आपके लिए अच्छा रहेगा। 8 तारीख के दिन बात करें, मंगलवार का अवसर, और जैसा हमने आपको कहा कि शनि का उपाय करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि शनि वक्री चल रहे हैं आपकी राशि के अनुसार से और जो लाभ पूरी तरह से मिलने के योग बन रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं पीछे खींच देते हैं, तो ऐसे में उसको ठीक करने के लिए इस दिन विशेष तौर पर हनुमान जी की आराधना करें, हनुमान जी को चोला चढ़ाएं, हनुमान जी को विशेष तौर पर प्रसन्न करने का आपको प्रयास करना चाहिए, उससे शनि भी अनुकूल हो जाएंगे।
हनुमान चालीसा का पाठ संपूर्ण रूप से इस दिन करना संपूर्ण रूप से कल्याण को सिद्ध करने वाला रहेगा, आगे बढ़ाने के योग बनाता दिखाई देगा, क्योंकि शनि संपूर्ण रूप से कहते हैं शनि को मनाएं सदा सुख पाएं, और इस वक्त शनि को मनाना आपके लिए बहुत जरूरी है ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से। स्वास्थ्य का थोड़ा ध्यान रखिएगा, अननेसेसरी के थोड़ी सी शरीर में वाइटिलिटी कमी दिखाई देती है तो अवश्य उसका ध्यान रखते हुए कार्य करें, वो आपके लिए अच्छा है। 9 तारीख के दिन बात करें तो बुधवार का अवसर षष्ठी तिथि उदया तिथि के रूप में ही विद्यमान हो गई। छठा नवरात्रा इस दिन भगवती के स्वरूप कात्यायनी स्वरूप का ध्यान करना पूजन करना शास्त्र में वर्णित है। इस दिन बृहस्पति ग्रह वक्री की होने जा रहे हैं दोपहर को करीब करीब 12:30 बजे के आसपास, चंद्रमा परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं, और ये दोनों ग्रहों का योग जो परिवर्तन के साथ बन रहा है आपके अंदर धर्म का उदय करता दिखाई देगा। लेकिन बृहस्पति का द्वितीय भाव में जाना, द्वितीय भाव में चलते हुए अब वक्री हो जाना, ये थोड़ा सा आपकी तरक्की में थोड़ा सा आपके योजनाओं में थोड़ी कमजोरी उत्पन्न करने के योग बना सकता है। तो ऐसे में सुंदर उपाय भगवती कात्यायनी का पूजन। छठा नवरात्र माँ भगवती कात्यायनी का आशीर्वाद देने का दिन है। कहा जाता है माँ भगवती से जो भी श्रद्धा से मांगता है ना उसकी मनोकामना सिद्धि के योग बनते हैं। भगवती कात्यायनी का स्वरूप ही ऐसा है। भगवती कात्यायनी का नाम कात्यायन ऋषि के ऊपर पड़ा, जब कात्यायन ऋषि ने माँ भगवती की आराधना करी और उनसे आशीर्वाद मांगा कि माँ आप हमारे घर में कन्या के रूप में जन्म लें, तो यानी भगवती समस्त मनोरथों को सिद्ध करने वाली हैं। तो विशेष तौर पर मेष राशि वालों माँ भगवती का सानिध्य लें, सर्वमंगल मांगल्य शिवे सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते इस मंत्र का जप करने का प्रयास करें। हमने हर राशि के अनुसार से विशेष तौर पर ग्रहों को देखते हुए एक मंत्र बताया है इन नवरात्रों में जप करने के लिए, तो आप इस मंत्र का सानिध्य लेते हुए पूर्ण नवरात्र में भगवती के विभिन्न स्वरूपों का ध्यान करते हुए यदि ये करेंगे तो अवश्य मनोकामना सिद्धि के योग आपकी राशि में बनने के योग बन सकते हैं। धर्म का उदय होता दिखाई दे रहा है, धर्म में आपकी आस्था अच्छी जागती दिखाई दे रही है। लेकिन ध्यान रखिएगा दुर्जन जो है ना वो कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचाने की तैयारी कर रहे हैं, दो दो ग्रह वक्री हो गए हैं बृहस्पति भी और शनि भी, तो ऐसे में ध्यान रखिएगा आपकी सज्जनता के कारण से कुछ ना कुछ लोग जो बदमाश लोग हैं वो कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचाने का कार्य कर सकते हैं। तो इसलिए भगवती कात्यायनी की आराधना करना बहुत जरूरी है, इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करें। 10 तारीख के दिन बात करें बृहस्पतिवार का अवसर सप्तमी तिथि विद्यमान है और एक ग्रह और परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं, तुला में जा रहे हैं बुध महाराज, और ये आपकी राशि के अनुसार से यदि समझा जाए तो आपके लिए बहुत बढ़िया ऑर्गेनाइज करने की शक्ति बढ़ सकती है। लेकिन बुध को थोड़ी शक्ति देने की ज़रूरत है, तो कोशिश ये करें, और ऐसे में जैसा हमने कहा दो दो ग्रह वक्री हैं और अननेसेसरी के थोड़ी सी विपदाएँ बढ़ाते दिखाई दे रहे हैं, उनका उपाय करने के लिए विशेष तौर पर स्तवन करें भगवती कालरात्रि का। 7वां नवरात्र है और भगवती कात्यायनी का जो स्वरूप है जो विशेष तौर पर 7वां नवरात्र जो है वो कालरात्रि का है, ऐसा स्वरूप जो विध्वंसक स्वरूप है, कष्टों को भगाने वाला स्वरूप है, अनेक प्रकार के कष्टों को दूर करने के लिए भगवती खड़ग हाथ में धारण करते हुए स्वरूप में रहती हैं, और जो भी भक्त का दुश्मन होता है उसकी विपदाओं को समाप्त करने के लिए माँ भगवती आतुर रहती हैं। तो ऐसे में भगवती का जो मंत्र बताया, वैसे तो विशेष तौर पर दुर्गा सप्तशती 11वें अध्याय में एक मंत्र आया है, सर्वा बाधा प्रशमनम त्रैलोकस्य अखिलेश्वरी एवमेव तया कार्यम अस्मद वैरी विनाशनम। यदि कहा जाता है कि बहुत बाधा में व्यक्ति है तो इस मंत्र का सानिध्य यदि ले तो विशेष तौर पर कष्टों को दूर करने के योग बन जाते हैं। लेकिन मेष राशि वालों ध्यान रखना कि आपकी राशि में दो दो ग्रह वक्री स्थिति में चल रहे हैं और आने वाले करीब करीब 15 नवंबर तक तो शनि भी वक्री चलेंगे, तो इनका उपाय लगातार आपको करने की जरूरत पड़ेगी। नवरात्र का शुभ योग जिस प्रकार से बनकर तैयार है, नवरात्र के अंतर्गत माँ भगवती की सुंदर आराधना करने का अवसर होता है, और ये नवरात्र जो अश्विन मास में आते हैं शारदीय नवरात्र कहलाते हैं, और शारदीय नवरात्र समस्त मनोरथ सिद्ध करने के लिए अद्भुत रूप से कहा गया, शास्त्र में उनका व्याख्यान उपस्थित किया गया है। दुर्गा सप्तशती के 12वें अध्याय में कहा गया है कि शरद काल में जो नवरात्र आते हैं देवी की उपासना करने का पर्व जो आता है उसमें जो श्रद्धा के साथ भगवती के निमित्त मंत्र जप करते हैं, यज्ञ करते हैं, उनके निमित्त भक्ति भाव से उनके समस्त कर्मों को जिस प्रकार से शास्त्र में वर्णित है उनको करते हैं तो उनकी मनोकामना सिद्धि के योग बन जाते हैं। और हमने विवेकानंद योगाश्रम में जिस प्रकार से सुंदर पूरे दुर्गा सप्तशती के 9 दिनों में नवरात्रों के 9 दिनों तक पूरा सुंदर महायज्ञ का सुंदर आयोजन रहता है, सहस चंडी महायज्ञ का आयोजन रहता है और माँ भगवती के सानिध्य में रहता है। हमारे आश्रम में जो भगवती महा दुर्गा जी की जो शिव विग्रह उपस्थित है वो मुल्तान से आया हुआ, 1947 में मुल्तान से माँ भगवती का ये शिव विग्रह आश्रम में आया, और उस वक्त एक मुल्तान से एक व्यक्ति ये मूर्ति जो बहुत विशाल मूर्ति है और वो लेकर आया, और वो भगवती की मूर्ति आज हमारे विवेकानंद योगाश्रम दिल्ली लक्ष्मी नगर खुरेजी में स्थित विवेकानंद योगाश्रम में उपस्थित है, प्रतिष्ठित है, और उन्हीं के सानिध्य में दिव्य यज्ञ करने की सुंदर व्यवस्था रहती है।
नवरात्र का सुंदर यज्ञ, माँ भगवती की सुंदर आराधना करने का ऐसा दिव्य पर्व है कि जो इन नवरात्रों में जो माँ भगवती के सानिध्य में बैठकर उनके मंत्रों से यज्ञ करते हैं। भगवती में दुर्गा सप्तशती में स्वयं कहा गया है कि विशेष तौर पर नवरात्रों के दिनों में जो आराधना करते हैं उनकी समस्त मनोकामना सिद्धि के योग बनते हैं। और हमने तो लगातार अनन्य श्रद्धा के साथ भगवती के सानिध्य में पिछले करीब करीब 50 सालों से हमारे आश्रम पर जो नित्य यज्ञ चलता है, आप सब भी उस यज्ञ में सम्मिलित हो सकते हैं। दुर्गा सप्तशती के संपूर्ण 13 अध्यायों का नवरण मंत्र का साथ साथ यज्ञ चलता है, विभिन्न नवग्रहों का यज्ञ चलता है, आप भी इस यज्ञ में सुंदर रूप से सम्मिलित हो सकते हैं। और इस बार नवरात्र का सुंदर योग जो बन रहा है वो विशेष तौर पर बहुत मनोकामनाओं को सिद्ध करने के लिए अनुकूल है, और साथ साथ ग्रह योगों का भी प्रभाव जो है इस बार भगवती का जो विशेष तौर पर शास्त्र में के द्वारा वर्णित है, भगवती जो घोड़े पर आरूढ़ होकर हाथ में खड़ग धारण करते हुए भगवती का ये स्वरूप शास्त्र में वर्णित है कि इस पर आरूढ़ होकर नवरात्रों का आरंभ होगा। नवरात्र में भगवती का ये स्वरूप जो है विश्व के लिए शांतिदायक नहीं है, और ये दिखाता है कि विश्व में कहीं ना कहीं अशांति के योग बन रहे हैं। और अभी अभी आप देखें कि 2 ग्रहण पड़ के ही चुके हैं, और 2 ग्रहण किसी प्रकार भी पृथ्वी के लिए पड़ने एक साथ 15 दिनों में ठीक नहीं माने जाते, और जहाँ जहाँ ये ग्रहण पड़े हैं विशेष तौर पर वहाँ कुछ समय भारी रहेगा। आने वाले समय में कुछ ना कुछ जिस प्रकार के योग बनते दिखाई दे रहे हैं वो कहीं ना कहीं उपद्रव के योग बनाते दिखाई दे रहे हैं। तो हमारे जीवन में भी हर रोज़ उठा पटक बनी रहती है, और ऐसे में जीवन बड़ा विचित्र है। और ऐसे में जितना भगवान के सानिध्य में मंत्र जप करने का, प्रभु की आराधना करने का सुंदर अवसर मिल जाए वो सदा मनोकामना कष्टों को दूर करने वाला होता है। और एक बात समझे, हम जीवन की आपाधापी में अपने आप को पता नहीं कहाँ कहाँ व्यस्त रखते हैं। कोशिश करें, आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास। ये बड़ी विचित्र स्थिति है संसार के अंदर कि हम सब भगवान के उस कार्य के लिए आए थे संसार में, आए थे हरि भजन को, और अपने जीवन में किस प्रकार से समस्त कार्यों करते हैं और केवल भजन का कार्य ही भूल जाते हैं। कोशिश करें इस सुंदर नवरात्र पर माँ भगवती का सुंदर सानिध्य लेने का प्रयास करें, और यदि आप स्वयं इस यज्ञ में बैठना चाहते हैं तो आश्रम में जो यज्ञ की सुंदर व्यवस्था है, फ़ोन नंबर्स आपके सामने स्क्रीन पर चल रहे हैं, श्री विग्रह भगवती का आपको हमारे इस वीडियो के माध्यम से दिखाई दे रहा होगा, तो आप कोशिश करें माँ भगवती का सुंदर यज्ञ में स्वयं भी सम्मिलित हो सकते हैं। और बहुत दूर हैं, नहीं आ पा रहे हैं, तो चिंता ना करें, उसके लिए आश्रम की तरफ से सुंदर व्यवस्था ऐसी रहती है कि आश्रम में जो विद्वान ब्राह्मणगण रहते हैं उन वो भी सब आपके उस कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए आपके नाम से यज्ञ इत्यादि में कर सुंदर रूप से व्यवस्था बना सकते हैं। तो आप स्वयं इस यज्ञ में पधारें, आपकी मनोकामना सिद्धि का योग बनेगा, कल्याण होगा। नमस्कार।